दोस्तों नमस्कार। आज हम शिव जी में जा रहे हैं पानी चढ़ाने, फिर वहां जाके दिखाऊंगी मैं आपको। भोले को मनाने का हम तो निराला है, भोले को मनाने का हम तो निराला है। शिव तो भोले बारे हैं, बाबा डमरू वाले हैं। दोस्तों प्यार भरा पलाक, आज भी बस के आ रही हूँ। यू देख मैं बड़े शुरू करूँ रही हूँ, मैं तो मन देखूँ मरू अपन प्याज बस के। तो यू यू चाहिए सा बस के, तो प्याज यू लगाना पौली आज सा भीतर पौली आज तो फटना मागी सा। यू सब देखो मरू मैं तो मन यहाँ साग पात पौली आई सा साग पात देखूँ उसला दकड़िया और मौसम ठीक हो रही। यू चाह मेरे बाकोले दगड़ा पुजा जी यहाँ यहाँ इधर इधर आ इधर आ दगड़ा यू बुक के लिए दगड़ा पुजा आ जा ये पॉली हाइस के अंदर है। देखो ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे मटर हैं, ये मटर हैं, ये देखो मैं मटर के खेत में जा रही हूँ, मटर में फूल लागन में ज्ञान आ मटर में फूल लगने लग गए हैं। दोस्तों ये बस्केट आज बहुत दिन में बस्केट आई हूँ मैं, एक महीने में ये पूरा दिखा रही हूँ बस्केट का जितना भी है। ये मटर की खेत है ये देखो दोस्तों ये सब मटर है। ये देखो हमारा बस्केट की नगरी कितने दिन से आज आपको दिखा रही हूँ। वो जो ताजन खोलिया इंद में दगड़ा आ जाला ये ना ना आ, 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 आ। इनता पूरा मटर खा जाल मेरा ओ सर जी हो इनता मटर खा जाल आ आ आ जा आ बना आ आ जा। एक का नाम भाना है, एक का नाम गणेश है हमारे खस्सी का। देखो चला दगड़ियो बस्केत आ रही मैं आज परे हमारे सर जी ले आ रहा बस्केत दिरड़ी का खटिम बटे मंदिर बनो मेरे उन आ रहा यहाँ। और हमारे तो व्रत सा उन्होंने खा पी बैर मनाया पिकनिक आ उनले लट्ठी पकड़े आयु परे देखी रही यानी ऊँचा ऊ हाय करने उन्नी उनला दगड़ियो अल्लाह में वहाँ जाबे उन मंदिर ले देखो जी बनू मरियान उन यू परे ऊ तला बसके यू पली आई समर। आज मैं एक महीने में तो मनी देखू मरी हूँ धीरे 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 यू चला दगड़ियो यू बकार से आयु बकार मेरा दगड़ा भी आला बकार सब दगड़ा यू इन सर्जुन ले तो मेरे बगार खोल बे अरे यू इन सर्जुन ले बगार खोल बे लगा लिया गड़न की करूँ मित अब जहाँ मैं झूल वहीं आ लिन यू यू चा हमारे बिरोगरी गोभी चा यू यू चा ये देखो हमारी बिरोगरी गोभी है ये सब बोए हैं फूलने लग गए हैं। ये देखो पूरी बिरोगरी गोभी है। ये आलू हैं उस दिन आलू बोए थे मैं आपको दिखाया। आज हमारे आलू देखो ये देखो आलू ये वो सरचू देखो मेरा ये जो आधा फूल गया था आधा ये अभी फूल रहा है। ये पूरे खेतों में सरचू है ये मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। ये पूरा देखो ये सरचू बहुत बोया सरचू तो अभी तो आधा धनु ने गाय बैल को खिला दिया। ये लासन देखो ऐसा लासन होता है दगड़ियों भाभर में ये दूसरा वाला लासन है कितना अच्छा लासन है। देखो ये इतने खेत तो लासन के ही बोए हैं। ये देखो बिरोगरी गोभी देखो साग पात तो बहुत अच्छा हो रहा है ऐसी बात नहीं बस खेत में अच्छा हो रहा है। बिरोगरी गोभी हो रही है खिलने लग गई है और आलू भी बहुत अच्छे हो रहे हैं लासन भी अभी ठीक ही हो रहा है फिलहाल सब ठीक हो रहा है। ये साग सब्जी के लिए कोई कमी है नहीं। देखो दगड़ियो यो ब्रेगरी गोभी देखो ये साथ में हमारे फूल देखो ये देखो बस्केट में मैंने फूल भी लगाए हैं पूरे फूल लगाए हैं बस्केट में। ये देखो एक गार्डन मैंने फूल का बनाया है यहाँ तक सिर्फ यहाँ पर तक है ये देखो ये गार्डन ये इतने अच्छे फूल हैं
इन फूलों को तो मैं कितने कहाँ कहाँ से बचा के मैंने यहाँ लगाए हैं। देखो ये मैंने घर में भी नहीं लगाए थे ये फूल दोस्तों, ये आहा देखो कितना अच्छा फूल है ये, देखो इतने अच्छे फूल हैं ये। देखो मैंने ये रुद्रपुर से लाई थी मैं इन फूलों को, छोटे छोटे लाई थी, इसकी जड़ टूट लग जाता है। अब देखो ये इतने अच्छे फूल हैं ये, देखो ये रुद्रपुर के फूल हैं, इतने मस्त फूल हैं। देखो देखो दोस्तों ये आपको आप बहुत दिनों में दिखा रही हूँ मैं, ये ब्रेगरी गोभी है, ये हरी गोभी, अभी दो चार दिन के बाद तो ये सब बेचने पड़ जाएंगे, तोड़ लेंगे दो छः सात दिन के बाद, अभी छोटे हैं वैसे, छः सात दिन लग ही जाएंगे अभी इनको तोड़ने में, छः सात दिन लगने वाले हैं। ये देखो मेरी ब्रेगरी गोभी, ये देखो खेतों में बकरी रहते हैं, देखो ये इसका नाम मेरा भाना है, ये बकरी मेरी भाना है, ये है गणेश, बहुत गणेश जैसा बकरी है तब मैं इसको गणेश बोलती हूँ। और ये गाड़ देखो यहाँ से पूरा दोस्तों, और ये फिर ये मैंने सरसों आप लोगों को दिखाई दिया, ये सरसों पूरा खिला, मैं एक बार खेत में जाके सरसों के खेत में जाके आपको मैं दिखा देती हूँ, सरसों के खेत में जाके दिखा दे रही हूँ मैं आपको ये। ये देखो दोस्तों सरसों के खेत में जा रही हूँ मैं, ये मेरा रास्ता है, ये नाली है सिंचाई की, इतने अभी वो आलू तो जम गए हैं, ये अभी पीछे लगाए, ये थोड़ा जमने वाले हैं, अभी जमने दो चार दिन में जम ही जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर ये। अभी देखो ये पूरी आ रहा, और ये मेरा सरसों केले हैं मेरे, देखो ये सरसों देखो दे, और ये सरसों देखो ये पूरा सरसों। और बस्केत में आए तो बस्केत में तो कुछ और ही है, बस्केत में जब हम आए तो इतना अच्छा लगता है, मौसम भी हर चीज़ के लिए, मतलब देखने को पिकनिक के तौर से हम आते हैं, खेती बाड़ी के तौर से नहीं आते, पिकनिक के तौर से हम यहाँ आते हैं, बहुत मस्त लगे रहता है ये। जो लोग भी यहाँ आते हैं उनको सबको पसंद है यहाँ, कि बोलते हैं बस के जाते हैं, बस के जाते हैं ये दोस्तों। ये देखो मेरी बस्केत, ये सही है, फिर क्या करूँ, बकरी तो मेरे साथ साथ रही, इनको बांधना नहीं पड़ता है दिन में, ये साथ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ ये बकरी आते हैं। ये देखो दोस्तों आप, मैं बहुत दिन से बना रही हूँ वीडियो, थोड़ा परेशानी, तबीयत भी ख़राब थी, थोड़ा ऐसा ही हो गया था, नहीं बना पाई, इसलिए मैं आज बना रही हूँ। मेरे ब्लॉग में बने रहना, मैं दिखाते रहूँगी आप लोगों को, आप लोगों को ये देखो, ये छोटे बड़े भैया जितने भी हैं सब देखो इसको, ये यहाँ की सीन, पहाड़ की सीन तो कुछ और ही है, मस्त है मस्त, फिर इसमें पहाड़ की सीन तो कुछ और है, और ये मेरे हमारे बस्केत की तो बात ही कुछ और है। बस्केत में तो जो लोग आते हैं उनको घर रात पड़ गई करके पता नहीं चलता है, घर में जाना करके पता नहीं चलता, जितने भी लोग बस्केत में आते हैं यहाँ सब चीज़ है, खाने को मच्छी है, कोई मुर्गा खाता है मुर्गा है। ये देखो मटर, ये मेरे मटर देखो, ये मैंने 8 खेतों में ये बोए हैं, ये मटर ये 8 खेत हैं, 8 खेत हैं ये मटर के, ये देखो पूरे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखो पूरे मटर ही मटर है ये। आज धन्नू गया है बाजार, आज धन्नू पिकनिक, धन्नू आज शॉपिंग के लिए गया, अपने शॉपिंग के लिए धन्नू गया है, हम लोग आए, हम भी अब जाते हैं घर में, अब इन लोगों ने खाना खा दिया, मेरा तो व्रत है, मैं तो मंदिर से आ गई हूँ, गट्टे खोला मंदिर गए, मंदिर में से हम सब आ गए हैं, उसके बाद मैं यहाँ आई एक चक्कर बस्केत, अब मैं घर जा रही हूँ दोस्तों, अब मैं घर जाने छूँ। ये देखो ये भी मैंने कब से दिखा रही हूँ आपको, ये तुसारू बोलते हैं इसको, ये तुसारी के पेड़, ये देखो ये पानी देखो, सब नाला बह रहा कितना अच्छा, आहा ये मौसम देखो, आहा हा हा कितना अच्छा है पिकनिक के लिए। ये देखो ये आप बहुत दिन में दिखा रही हूँ, अब अगले हफ्ते आऊँगी दोस्तों, अगले हफ्ते दिखाऊँगी, और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना, अभी मैं अगले ब्लॉग में आपको मिलूँगी।